Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 12th maths exercise 5.7. अब स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या देगी, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी दो बार डिफरेंशिएशन हम इनका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम आपको स्टूडेंट बताएंगे, कुछ आप लोग खुद करिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको मान लीजिए y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, या इसको y1 से भी हम रिप्रेजेंट कर देते तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3। अब इसके बाद हम इसका कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई टू इज इक्वल टू, या इसको लिख सकते डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे, तो वाई वन बराबर इसको मान लेंगे y के इक्वल, तो वाई वन बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स की पावर 19। फिर वाई टू फाइंड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 380 इंटू एक्स की पावर 18। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, अब इसका फर्स्ट सेकंड से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये हो गया, ठीक है। ये x हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा cos x। तो हमें आपको क्या मिल गया, माइनस x sin x प्लस cos x। अब इसका हम कर देंगे अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा y2 इज इक्वल टू माइनस, बाहर लिख दिया, अब इसको फर्स्ट सेकंड से कर देंगे। तो देखिए x ऐसे ही रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आप आएगा cos x। अब हम डायरेक्ट किए दे रहे, फिर sin x हम इसी तरीके से लिख देंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। फिर इसके बाद cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस sin x। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें मिलेगा, ठीक है, माइनस x cos x माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस टू साइन एक्स। तो ये स्टूडेंट अब इसमें से चाहें आप तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस किसी के बाहर था, माइनस साइन एक्स हो गया और यहाँ पर हमने लिखा था cos x, तो इसका माइनस साइन x आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको हमें करना था स्टूडेंट्स, सही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, चाहे माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में भी उसको लिख सकती हूँ। इसी तरीके से ये सब क्वेश्चन भी इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमें करने हैं, ठीक है। तो इनका दो बार डिफरेंशिएशन करके और उनको आप सॉल्व कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है उनको देखिए, 11 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है डी स्क्वायर, ठीक है, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो हमें फाइंड करना है, वाई बराबर इतना दिया है। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए वाई बराबर 5 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स, और हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो दो बार हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहला हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा 5 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि 5 कांस्टेंट है तो केवल कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। इसी तरीके से यहाँ
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव साइन एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। ठीक है, अब इनका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फाइव साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस की साइन एक्स आएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब हमें ये दिखाना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इन दोनों का सम जो है वो जीरो है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फाइव कॉस एक्स प्लस थ्री साइन एक्स। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, वाई की वैल्यू और पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। तो देखिए ये थ्री से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया जीरो। ठीक है, आंसर आ गया। तो यही चीज हमें स्टूडेंट्स प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूफ्ड, इस तरीके से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, कि इफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म ऑफ वाई अलोन। ठीक है, तो हमें वाई की टर्म में ये चीज फाइंड करनी है। अब देखिए वाई बराबर दिया है कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो नाउ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस वाई। ठीक है, अब एक्स की रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बोथ साइड्स, तो बोथ साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन वाई आएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स और आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा अब हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, चलिए वो बाद में कर देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया कि वन अपॉन माइनस साइन वाई, या इसी को हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक वाई। अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और कॉसेक वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक वाई, तो माइनस पहले से लगा था और माइनस में होता है, तो माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स और आएगा। ठीक है, अच्छा तो इसकी वैल्यू हमें इसके टर्म में फाइंड करनी थी। अब ये हो गया कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, केवल वाई के टर्म में फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है माइनस कॉसेक वाई, बस रख दीजिए, अब इसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई, ये आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमें सॉल्व करना था। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए 13 क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब जी है y इज इक्वल टू 3 cos log x plus 4 sin log x so that x square y2 plus x y1 plus y इज इक्वल टू 0। अब इसका हम कर देंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि y1 इज इक्वल टू 3 और कॉस लॉग एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन फिर करना पड़ेगा तो वो होगा वन अपॉन एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ये आ गया प्लस फोर कॉस लॉग एक्स, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x। अब दोनों की अपॉन में x है, ठीक
ठीक है, तो इस दोनों के अपॉन में एक्स है, तो इस एक्स को इस साइड ले आएंगे तो इससे हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। और वैसे आप करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, याद रखिएगा। इसलिए इसको इस साइड ले आइए, लेफ्ट साइड में, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 4 cos log x। ठीक है, अब एक बार डिफ्रेंसिएशन फिर कर दीजिए, सो दैट x2y2 + xy1 + y, तो ये चीज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई वन हमारा आ गया। ठीक है, अब इसका हम कर देंगे अगेन डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन, जब वाई वन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई टू आ जाएगा, वाई वन ऐसे ही रहेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो -3 cos, ठीक है, ये आ जाएगा log x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, -4 sin, ठीक है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, log x अपॉन एक्स। अब ये x जो है डेनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो इस x का इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x2y2 + xy1 इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो ये आएगा 3 cos log x + 4 sin log x, और ये स्टूडेंट्स जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट में, वो वैल्यू है वाई की। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आ गया x2y2 + xy1 = -y। ठीक है, और इसको क्या लिख दें हम, x2y2 + xy1 + y = 0। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स, हेंस प्रूफ्ड, ये हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना था, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा पहले समझिए और फिर इसके बाद उसको लगाइए, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स। अब 14 क्वेश्चन भी इसी तरीके से, देखिए d² है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, इजिकल टू ए ई की पावर, तो ए कॉन्स्टेंट है, ये ऐसा ही रहेगा, ई की पावर एम एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स होगा, एम एक्स का फिर करेंगे तो एम आ जाएगा, +bn (e^n)x, ये है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है dy/dx हो गया, फिर इसके बाद इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, जब फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d²y/dx² इसका डिफरेंशिएशन होगा तो am² e^(mx). देखिए इस टाइप के क्वेश्चन या कोई भी टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो ये आ गया d²y/dx². अब इसके बाद LHS हमें दी गई है, ठीक है, तो LHS में ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे LHS की, ठीक है, और उनको सॉल्व कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हो गया d²y/dx², ठीक है, -m + n dy/dx, ठीक है, +mny = 2, ठीक है। अब देखिए d²y/dx² की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा a, ठीक है, m²e^(mx) + bn²e^(nx), ठीक है, -m + n, और dy/dx की वैल्यू, ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू जो है वो ये आएगी कि am e की पावर mx प्लस
बी एन ई की पावर एन एक्स, ये हो गई स्टूडेंट्स, ये इसकी वैल्यू आ गई, प्लस एम एन और वाई, ये ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये हो गया। तो अब इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। देखिए अगर आप लोग चाहें तो हम e की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, अब माइनस एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर m का मल्टीप्लाई b में करिए माइनस m का, तो माइनस बी एन एम ई की पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस ए एन एम ई की पावर एम एक्स, ठीक है, माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा ए एम एन, ठीक है, ई की पावर एम एक्स और प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब इन सबको कैंसिल कर दीजिए स्टूडेंट, देखिए तो ये ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ठीक है, ये प्लस ये माइनस का हो गया बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है, तो ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद अब ये माइनस बी एन एम, ठीक है, ई की पावर एन एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो गए, अब ये दो बचे तो ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है, बस, तो बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये 14 क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 क्वेश्चन को हम कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये जी है, देखिए अब इसमें डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 × 35 3500, ठीक है, ई की पावर 7x, क्योंकि ई की पावर 7x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ई की पावर 7x इंटू 7 आएगा, तो 500 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस ये आ जाएगा 7400 और ई की पावर माइनस 7x, ये आ गया। अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये कर दिया स्टूडेंट, ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अब इसको ऐसे ही लिख दीजिए, अभी 7 × 3500 इंटू ई की पावर 7x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 × 4200 ई की पावर माइनस 7x, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमें देखिए क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में एक 7 स्टूडेंट्स कॉमन है, ठीक है, तो एक 7 और हम कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 500 ई की पावर 7x और यहाँ पर बचेगा 600 ई की पावर माइनस 7x, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है स्टूडेंट्स, बस, तो आंसर आ गया हमारा कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49y, ठीक है, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। इस तरीके से ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 आपको करना था। 16 में क्या है देखिए, 16 क्वेश्चन में है कि e की पावर y और x प्लस 1, ठीक है, अच्छा चलिए, और इज इक्वल टू 1 दिया है हमें, सो दैट करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो देखिए e की पावर y एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ये दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हमें दिखाना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, चलिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए और क्या है, या हम ऐसा कर सकते कि e की पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, ऐसे करके भी इसको लिख सकते, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी,
चलिए ऐसे ही कर दीजिए, इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा, ठीक है। फिर एक्स प्लस वन को ऐसे ही लिख दीजिए। अब ई की पावर वाई का डिफरेंशिएशन करोगे स्टूडेंट्स, तो केयरफुल रहना कि ई की पावर वाई आएगा और डी वाई अपॉन डी एक्स और आएगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है, या एक बार इसी का और कर दीजिए डिफरेंशिएशन, बाद में निकाल लेंगे जो निकालना है, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, ये पहले इसको फाइंड कर लें, चलिए कितना आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वो हम देख लें, ठीक है। तो ये आ गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई और एक्स प्लस वन, ये आ गया। तो e की पावर y से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसका कर दीजिए डबल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है डेनोमिनेटर, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे जीरो आएगा माइनस, ठीक है, माइनस बाहर लगा दीजिए, पूरे में माइनस है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा वन और एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये आ गया स्टूडेंट्स वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये दिया है स्टूडेंट्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, अगर इसकी बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने, तो बस ये हो जाएगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए 17 क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चलिए डिफरेंशिएशन कर दें हम इसका, इसका डिफरेंशिएशन कर दें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा वाई वन इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स इन टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बहुत इजी रहेगा, नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट। तो ये हमें मिल जाएगा कि वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू वाई वन बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिए बोथ साइड का, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसका फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से कर देंगे, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारा ऐसे ही रहेगा, वाई वन का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई टू आएगा, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे टू एक्स, वाई वन हमारा ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, बस आंसर आ गया इसमें। अब इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस, ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई टू प्लस टू एक्स, ठीक है, वाई वन और वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टू, बस यही आंसर आ गया स्टूडेंट, या हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, ठीक है। तो कितनी इजीली हो गया। अब अगर आप इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इसको न्यूमरेटर डेनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से अगर इसको करते तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और दुनिया भर की कंफ्यूजन क्रिएट होंगे स्टूडेंट। इस तरीके से आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक्सरसाइज में आपके इतने 17 क्वेश्चन थे स्टूडेंट, उस तरीके से इसको करना था।
ठीक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन स्टूडेंट जरूर पूछा जाता है बोर्ड में। थैंक यू स्टूडेंट्स।